हेलो, आज की वीडियो एक और कैरेक्टर एनालिसिस टाइप की वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने ऐसा वीडियो सांझी भी बनाया था, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई रियली रिकमेंड यू टू वॉच इट। मेरे हिसाब से इट इज़ माय बेस्ट वीडियो। एनीवेज, आज मैं ये बकने वाला है कि क्यों बिग मॉम मेरी फेवरेट एंटेगनिस्ट है वन पीस की। मांगा स्पॉयलर्स है वीडियो में। वानो वॉर पूरा खत्म होते तक रीड कर रखा है तो बने रहो वीडियो में। एनिमे ओनली वाले हो तो आई एम सॉरी, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। एंड लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वॉइस मी। वॉइस मी एक कमाल का फ्री कॉमिक वेबसाइट एंड एप्लीकेशन है जहाँ पर तुम्हें काफ़ी अलग अलग जॉनरा और वैरायटी के कॉमिक्स मिल जाएंगे। इफ़ यू आर एन एक्शन लवर देन आई रियली रिकमेंड यू डीमन डिफेंस एजेंसी। एक काफ़ी फन एक्शन कॉमिक है ये, और नाम से ही तुम समझ गए होगे कि दिस कॉमिक इज़ अबाउट डीमंस। मस्त सुपर नेचुरल हरकतें होते हैं इसमें, एंड सुपर नेचुरल हरकतें मतलब मस्त आर्ट स्टाइल। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस कॉमिक का लिंक मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। एंड वॉइस मी के वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन तुम्हें फ्री में मिल जाएगा प्ले स्टोर में, एंड या डू चेक इट आउट। नाउ कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। ऑल राइट, बिग मॉम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ईविल, कनिंग एंड एट द सेम टाइम डम्प कैरेक्टर है। शी इज़ द कैरेक्टर हु हेल्ड द टाइटल ऑफ एन एम्परर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बिग मॉम तब से न्यू वर्ल्ड पे रूल करते आ रही है जब से रॉजर शी की व्हाइट बेट का एरा था, एंड शी बिकेम द लास्ट वन ऑफ द ओल्ड एरा टू फॉल। बिग मॉम को काफ़ी लोग एज एन एंटेगनिस्ट चुन्नू मुन्नू समझते हैं, बट द ट्रूथ इज कि बिग मॉम इज़ द ओनली एंटेगनिस्ट जिसे ओडा ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो आर्क्स का एंटेगनिस्ट बना के रखा है, वो भी 200 एपिसोड्स वाले आर्क्स का, WCI एंड वानो। बिग मॉम पूरे वन पीस में अभी तक मेन एंटेगनिस्ट का सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है। ऑल्दो वानो में ओडा ने बिग मॉम को मजाक बना दिया, स्टिल व्हाई डू आई लाइक हर द मोस्ट, वेल बिकॉज ऑफ हर कैरेक्टर। ओडा ने लास्ट में बिग मॉम के साथ गोबर हरकत किया, नो कैप, बट जिस वे में उन्होंने बिग मॉम के कैरेक्टर को बनाया है, द राइटिंग, द फीचर्स, शी इज़ टू मच ऑफ अ गुड कैरेक्टर ऑफ एन एंटेगनिस्ट। बाय द वे, बाय फीचर्स आई डोंट मीन उसके सैगी टिट्स, ठीक है, आई एम नॉट इन टू जेल्फ्स। डू यू नो वॉट अ पायरेट इज? ऑब्वियसली यू नो, समुद्र के हरामखोर चोर। लेकिन क्या वन पीस में पायरेट सेम है? नहीं, वन पीस में वी हैव लूफी जो चोरी के नाम पर बस मीट चुरा सकता है, वी हैव बॉनचैन टाइप ऑफ पायरेट्स, वी हैड रॉजर एंड वाइट बियर्ड जो ग्रीड के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए और फैमिली के लिए जीते थे, काइडो जो प्राइड प्राइड करता रहता है। वन पीस में रियल पायरेट्स जैसे काफ़ी कमी कैरेक्टर्स हैं। एक डोफ्लामिंगो है, हरामखोर चुट्टा, एक ब्लैक बियर्ड है, एंड देन देयर इज दिस कैरेक्टर हु रिजेंबल पायरेट्स द मोस्ट, बिग मॉम। एक्चुअल पायरेट्स वॉयलेंट, स्निच, ग्रीडी और ऐसे टाइप के लोग थे जिनके मुंह पे मूतने का मन करे, एंड बिग मॉम भी सेम है, एक हद हरामखोर कैरेक्टर, एंड इन एडिशन बिग मॉम गवार भी है, जस्ट हाउ अ ट्रू पायरेट यूज्ड टू बी। व्हेन इट कम्स टू डॉफी, यू सी उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसकी खुद की बनाई हुई फैमिली। एज लॉन्ग एज वो लॉयल है, डॉफी उनके सारी गलतियाँ माफ़ कर देता है, एंड द मोमेंट दे बिट्रे हिम, डॉफी एक सेकेंड नहीं लगाता उनको उड़ाने में, रिप कोराज़न। बट इज दिस द सेम विद बिग मॉम? नहीं, बिग मॉम के केस में शी ऑल्सो हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर, बट बिग मॉम का सॉफ्ट कॉर्नर एक डेड पर्सन है, मदर कार्मेल। मतलब बिग मॉम एक मरी हुई कैरेक्टर के लिए बस ट्रूली केयर करती है। बिग मॉम डजेंट गिव अ शिट अबाउट हर चिल्ड्रन, उसने अपने एक बेटे को मार दिया था एंड शी डिडेंट फील शिट। चिफॉन को बिग मॉम हरास करती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल लोला से मिलती है। पुडिंग को हरास करती थी वो अपने मिनी रीजंस की वजह से, यू माइट से कि काइडो की तो वो केयर करती थी ना, रियली यू थिंक सो? जहाँ तक मैंने देखा, बिग मॉम जस्ट केयर्ड अबाउट वन थिंग, दैट वॉज हर ओन ड्रीम, एंड उस ड्रीम को अचीव करना काइडो के साथ काफ़ी ईजी था उसके लिए, इसलिए बस वो काइडो के साथ थी। वरना वाई डू यू थिंक बिग मॉम काइडो से कभी मिली नहीं बिफोर वानो आर्क? बिग मॉम का ड्रीम ऑल्सो डिफाइंस हर कैरेक्टर। वॉट डू यू थिंक हर ड्रीम वॉज? टू मेक अ वर्ल्ड वेयर एवरी स्पीसीज कैन लिव? नहीं, दैट वॉज नॉट हर ड्रीम, दैट वॉज मोर लाइक हर विश। बिग मॉम का ट्रू ड्रीम था टू बिकेम द किंग ऑफ सीज, स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू बनाने का ड्रीम था उसका, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बनने का ड्रीम था उसका। इसलिए जब लोला लोकी से शादी करने के लिए मना की थी, बिग मॉम इसलिए उस चीज़ से ऑफेंड नहीं हुई थी क्योंकि उसके किंगडम में जायंट्स नहीं आए उस चीज़ से, नहीं बल्कि इसलिए ऑफेंड हुई थी क्योंकि जायंट्स उसे क्रू और आई शुड से उसके मिलिट्री फोर्स का पार्ट नहीं बन सके। यू सी, दिस इज़ वॉट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग अबाउट बिग मॉम। उसका विश है तो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा, लेकिन उसने अपने विश को भी मोल्ड कर दिया फॉर द सेक ऑफ हर सेल्फिश ड्रीम, अ किंगडम वेयर एवरीवन कैन कोएग्जिस्ट। ये चीज़ को बनाने के बदले बिग मॉम क्रिएटेड अ किंगडम वेयर एवरीवन हैज़ टू फोर्सफुली कोएग्जिस्ट, एंड टू अचीव हर ड्रीम टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट,
वो किसी भी हद तक जा सकती थी। शी जस्टिफाइड द किलिंग ऑफ हर ओन चिल्ड्रन फॉर द सेक ऑफ हर ड्रीम। तामा के सामने उसका सो कॉल्ड मदर मोड सा जाग गया था, एंड डिस्पाइट दैट जब तामा डिसअग्री की उससे, वो उसको भी मारने की कोशिश की विदाउट इवन हेजिटेशन। इसके अलावा व्हेन बिग मॉम वाज फॉलिंग इनटू द पिट, वो ये सोच रही थी कि रॉजर ने वन पीस के बारे में बताया क्यों नहीं भाई, मतलब उसको फ्री में कोई बताने वाला मिल जाए तो वो सुनने भी चली जाएगी। शी वॉज इगोइस्टिक, शी वॉज एरेगेंट, एंड शी वॉज डम्ब एंड लेजी टू एज अ सेड अर्लियर, प्लस शी वॉज अगली टू। नाक पे साइतामा लमाओ, गुलाबी लवर्स को भी घिन आ जाएगी भाई गुलाबी रंग से बिग मॉम को देख के, जवान बिग मॉम वॉज हॉट। तो बिग मॉम एक ऐसी कैरेक्टर है वन पीस की जिसको कोई पसंद ही नहीं कर सकता, ट्रूली हेट करके तुम इस कैरेक्टर को, एंड दिस इज वाई आई लाइक हर एज एन एंटैगनिस्ट दी मोस्ट, क्योंकि दैट्स हाउ एन एंटैगनिस्ट शुड बी। आज के टाइम पे एंटैगनिस्ट को ना हीरो बना देते हैं स्टोरी राइटर्स एंड मांगाकास, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। पेन, योहान, आस्कलेट, डब्लू एंटैगनिस्ट है सब, नो कैप, लेकिन डोंट यू थिंक द ओल्ड स्टाइल एंटैगनिस्ट्स, द डार्थ वेडर टाइप, द ट्रू इविल एंटैगनिस्ट्स, उस टाइप के एंटैगनिस्ट भी दिखने चाहिए, एंड दिस इज वेयर दिस शिटी ओल्ड हैक कम्स इन, दिस शिटीएस्ट कैरेक्टर ऑफ वन पीस, एंड दिस इज द मेन रीजन वाई आई अप्रिशिएट हर कैरेक्टर। एंड यू नो वॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम एंटैगनिस्ट्स के पास्ट के ट्रेजिक इवेंट्स को देख के तुम उनके लिए पिटी फील करते हो। बेस्ट एग्जाम्पल इज सेन्योर पिंक। बिग मॉम का पास्ट भी ट्रेजिक ही रहा है, जब वो बच्ची थी तब वो काफ़ी काइंड थी, केयरिंग थी, लेकिन क्योंकि उसको दौरे चढ़ जाते थे और वो हद स्ट्रांग थी अपने आसपास वालों से, वो एक आउटकास्ट बन के रह गई, उसके माँ बाप भी उसको छोड़ के भग गए, बट स्टिल शायद ही कोई होगा जो बिग मॉम के लिए पिटी फील करता होगा, और क्यों ही करेंगे, जब उसको उसकी केयर करने वाले लोग मिले तब उसने उन्हें खा लिया फॉर फक सेक भाई, ऐसे हरकत के बाद कौन पिटी फील करेगा इस गवार के लिए। एंड आई थिंक अब तुम भी मुझसे कहीं ना कहीं अग्री करते हो कि क्यों बिग मॉम सबसे ज़्यादा रिजेंबल करती है एक ट्रू पायरेट को। बिग मॉम इज़ नो डाउट द मोस्ट एक्यूरेट पायरेट इन द एंटायर वन पीस शो, एंड आई डोंट थिंक आने वाले टाइम में भी हमें कोई इतना ट्रैश, इतना डम्ब, इतना ईविल, इतना मीन, इतना सुअर पायरेट देखने मिलेगा। ब्लैकबेर्ड के लिए भी भाई इतना ज़्यादा फुद्दू बनना मुश्किल है। एंड विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। आई होप तुम समझ गए होगे कि क्यों बिग मॉम मेरी फेवरेट एंटैगनिस्ट है। आई एम गेसिंग कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग भी उसे एज एन एंटैगनिस्ट अप्रिशिएट करना चालू कर देंगे। लाइक द वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन ठीक है भाई मई जून से पहले 10K करना है। वॉइस मी को चेकआउट करना मत भूलना, एंड चलो मैं जाता है किंग ऑफ सीज बनने, तो अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।